हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल बल्लू द बेस्ट पे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण भारद्वाज। तो दोस्तों, मैं लद्दाख के लिए निकल रहा था अब, और मैं लद्दाख की सारी वीडियो आपके पास भेजूंगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। लद्दाख की हर जगह के बारे में मैं आपके पास वीडियो वगैरह भेजूँगा। रास्ते कैसे हैं, बर्फ़ कितनी है, क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है, क्या क्या है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी है आपके पास, 9896930128, और मैं सारा आपको भेजूंगा वहाँ का वीडियो वगैरह। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लद्दाख के जाने आने, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, और कहाँ आपको ठहरना है, क्या रीजनेबल प्राइस है, सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल बल्दो द बेस्ट। तो हेलो दोस्तों, हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आंखें लाल हो रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये डल झील है सामने, आपको दिख जाएगा। कल दोपहर 3 बजे से ड्राइविंग कर रहे हैं, 2:30-3 बजे करीब निकले थे, और अभी कितना टाइम हुआ, 1 बज रहा है। 1 बजे हम अभी पहुंचे हैं। 24 घंटे हो गए कंटिन्यू ड्राइविंग करी है, ना ही कोई कहीं स्टे लिया है। हालत देखो बच्चों की कैसी होगी। आ रहा मजा। ये मरगिल्ला, ये साहब देख सकते हो। ये हमारा गोलू मोलू। आ रहे मजा बेटा। अब बस रूम लेने गए हैं हमारे भाई। रूम मिलते ही सबसे पहले फ्रेश होना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है। 24 घंटे हो गए ड्राइविंग करते करते कंटिन्यू। बस खाना खाने के लिए रुके थे बीच में रात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेफ वेब बना के, अच्छे राजा बाबू बन के। वेलकम बैक माय फ्रेंड। जैसा आप देख सकते हैं, ये है डल झील, और इस टाइम हम श्रीनगर में। ये डल झील है, और ये हमने हाउस बोट लिया है अपना। ये हाउस बोट है सारा, ये बोट होती है, और इसके अंदर ही रूम वगैरह होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। हाउस बोट है जैसे होती है, जिस तरह से बोट बनी हुई होती है, इस तरह से है। इसमें ये डाइनिंग टेबल है, और ये इसमें रूम्स वगैरह हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम है। हमने 2 रूम मिले हैं, एक रूम हमारा ये है और एक रूम बराबर में है। ये मिस्टर कपिल हाय, और ये मिस्टर नीरज। वैसे तो गोलू कहते हैं, पर आज हम इनको नीरज बोलेंगे। मरगिल्ला भी नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि अभी टूर पे हैं, तो आप समझ सकते हो जिद देना ज़रूरी है इसको थोड़ा सा। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये टीवी है, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है। ये बाथरूम है, ये अपना आप देख सकते हैं, ये बाथरूम है। हालत क्या होगी यार, नहाना पड़ेगा पहले तो, ब्रश भी करना पड़ेगा, सेव भी करनी पड़ेगी। और इसके अंदर ये बाथटब भी है, नहाने का सारा सामान है। दूसरा रूम भी है, एक रूम ये है, और दूसरा रूम है जिसमें अमन और दोनों बच्चे रुकेंगे। ये है रूम नंबर 2। ये ओके है, ये रूम नंबर 2 है। सेम वही बाथरूम, अटैच लेटरिन बाथरूम है, टब भी है। तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं हाउस बोट, मतलब एक तरह से होटल ही है लेकिन हाउस बोट है, और डल झील के किनारे पर है। पर्दे डल झील
हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ डल झील में। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे डल झील है ये सारी, और मैं यहाँ पे सकारा ले रखा है एक, जिसको बोलते हैं बोट हाउस है। इसमें रुके हुए हैं, इसमें सारा कुछ है, रूम्स, लेटरिंग, बाथरूम वगैरह, डाइनिंग वाइनिंग सब चीज़ है इसमें। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं और मैंने बाल थोड़े खुले कर रखे हैं, अच्छे से लग रहे हैं ना, किसी को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे ये बाल, इसीलिए मैंने खुले हुए रखे हुए हैं। आज मैंने ना कंघी करी है, ना आया हूँ अभी 2 मिनट पहले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।